रुक 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 लाली रुक। अरे कौन मर गया बेटा, कौन मर गया क्या तेरा? ना कोई ना मरा अभी तक तो फिर इतनी बिलबिला बिलबिला के क्यों रो रही है? किनकी बहू है तू? अरे उसकी हूँ धनुआ की। धनुआ की? हाँ। तो फिर रो क्यों रही है? अरे रो इसलिए रही हूँ, मैं ना रह रही हूँ उसके लिए। क्यों? अरे वो आदमी काम धंधा कुछ करता ना है। अच्छा। पैसे कमा के लाता ना है। अच्छा। तो फिर कैसे रहूं? बात तो सही है भाई। भाई देखो जब तक आदमी कमा के नहीं लाएगा, जमा के नहीं लाएगा, तो खाने को कहाँ से आएगा, रहने को कहाँ से आएगा? नई नई साड़ी कहाँ से नाक निकलेगी? सब निकलती। तू अभी तो रो रही थी बेटा। वो तो मैं ऐसी रो रही थी। इससे बेटा बात क्या है, धनुआ को तू छोड़ के क्यों जा रही है? बात ये है कि वो कुछ करता नहीं है, काम नहीं करता, जुआ खेलता है। और फिर दूसरी बात, हर चीज उसे बेड पर चाहिए। हर चीज बेड पर चाहिए, खाना पीना रहना, सारी चीज ही चाहिए। बड़ी तकलीफ की कहानी। अब तू देख रोए मत बेटा, देख सुन मेरी बात सुन, रोने से तो कोई फायदा नहीं है, किसी बात का समाधान करने के लिए नहीं। तू चुप मेरे संग चल, धनुआ को मैं समझाऊंगा। ना मैं जा रही। ना जाएगी? ना। तो मेरे घर चल। काहे को? अरे मेरे घर चलियो, मेरे घर पे आराम से बनाइयो खाइयो, जब तेरे को लगे कि हाँ मेरा धनुआ सुधर गया तो शायद तू यहाँ पे रख के निगरानी रखेगी उस पे, यहाँ रहेगी तो कम से कम उस पर निगरानी रखेगी आराम घोर पे कि कोई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। किसी अगर तू मान ले तू अपने घर चली गई, कल को दूसरी लुगाई ले आया फिर। हाँ ये भी बात सही कह रहे हो, चलो तो तुम्हारे घर ही चल रहे। मेरे घर चल, तू आराम से खाइयो पियो बनाइयो। तो काम कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे घर में। रोटी तो बनाएगी अपने लिए, चाय बनाऊंगी, अपने लिए ना बनेंगी तू? अपने लिए बना लूंगी। मुझको बनाइयो मत बनाइयो, मैं तो बस ऐसे ही है, मेरी तो चल रही है गाड़ी, तू चल। चलो। परेशान हो रही है यार, जीवन खराब हो गया है, ऐसे रो रही है जैसे भैंस की तरह। रोइयो मत, अब तेरी तकलीफें दूर हो गई, अब रोएगी तो ये समझ लो परेशान होगी, कमजोर कर लेगी तू अपने आपको। अरे चाचा जी, ये आपने शादी कब कर ली? शादी? हाँ। अरे ना ना, तुझे गलत फहमी हुई है, शादी ऐसा है मैंने कुछ दिन के लिए कोर्ट मैरिज कर ली है। अरे कुछ समझाने के लिए तू पागल हो गई है? आधे ब्लाउज वाली औरत, आधे ब्लाउज वाली नहीं है, लड़की है ये इस गांव की। अच्छा लड़की है? हाँ। शादी नहीं करी, पति से लड़ाई हो गई, इनके घर जा रही हूँ। घर जा रही हूँ क्यों? मुझे कौन लगते हैं तुम्हारे? चाचा लगते हैं हम। हाँ। तेरे चाचा लगते हैं, इसके चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं? हाँ। जाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा ऐसा है, इसका पति है हमारा नाकारा निकम्मा, अब ये मान ले जुआ खेलता है, शराब पीता है, काम धंधा करता नहीं है, कुछ वो नहीं करता। तो मैंने कहा अगर तू घर छोड़ के जाएगी, ये घर छोड़ के जा रही थी मरने, अब मैंने कहा तू घर छोड़ के मरने चली जाएगी, तू तो मर जाएगी, लेकिन तेरे पति पे निगाह कौन रखेगा? वो लीचड़ निकम्मा आदमी किसी और औरत को कर लेगा चार दिन में। वाह चाचा वाह, क्या बात है, ताली क्यों बजा रही हो ऐसा? वो इसलिए कि तुम तो लड़के अपने घर से आ गई और ये तुम्हें लेवा के अपने घर पे ले जा रहे हैं, इनके घर वाले और भोले वाले क्या बोलेंगे? कौन है ये? चाचा है, बताया ना अभी। अरे चाचा कोई तुम्हारे सगे चाचा थोड़ी ना है। भले ही सगे ना हो तो फिर धर्म का रिश्ता कर्म से भी ऊपर। अच्छा इसकी बातों का? अरे बातों का नहीं भाभी, अब कौन हो मतलब, मैं नहीं जानती, तुम अपने घर जाओ। नहीं मैं नहीं जा रही, मैं इनके साथ जाऊंगी, छह महीना जितने भी दिन मैं यही रहूंगी मेरे साथ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पूरे गांव में ना बदनामी हो जाएगी। हो जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे हम गलत, तुमको बदनामी उनको। अरे तो जाना है तो अपने मायके जाओ ना, मम्मी पापा के पास जाओ। मायके चले चाचा ही है। हां और फिर मायके चली जाएगी लल्ली दीदी को, किसी को ब्याह लाया और क्या, और मुंह पे कालीन पुतेगी। कम से कम ऐसे आदमी पे यार निगाह तो रखो, निगाह तो रखेगी, बटोरेगी तेरे। हां चल मैं सब निगाह से क्या। अरे करके पहनना आपके, मुझे तो लगता है चाचा पागल हो गए। ये अपना घर इतना बुरा? हाँ अब सुनो, यही तुम्हें संभालना है, इसमें चारपाई बिछा, आराम से सो बैठो, खाओ पियो, चूल्हा बनना है इसके पीछे। अच्छा जंगल में वहीं पे खेत सा पीछे क्यारी सी कर रखी, मैंने आलू फालू बो रखे, वहीं पे चूल्हा बना रखा खुले में, वहीं पे अपने रोटी पानी बना लेना, लेकिन अभी मत बनाना रोटी पानी क्योंकि मैं जा रहा हूँ, यहाँ कहते हैं बगीची के मंदिर पे हो रहा है भंडारा, तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा अपने लिए भी ले आऊंगा, ठीक है? तुम आराम करो जा। ठीक है देखो मेरी बात सुनो, मैं आज की रात तो काट लूंगी यहाँ पे। अच्छा बनना भैया मेरे बस की ना है यहाँ पे रहना। तो सुनो मेरी बात, देखो मेरा नौरे पे कमरा बना हुआ है और बिजली भी है वहाँ पे, मैं बिजली लग रही है, मैं कमरा बना हुआ है, बिजली के बराबर में जो कमरा है उसमें भर रहा है घुस, उस घुस को मैं दूंगा खलवा और साफ सफाई करवा के लल्लन टॉप करवा के कल से हो जाएंगे मासिक, तो आज आज की रात काट लूंगा। ठीक है अब एक काम करो, पूरी लेके आओ, तो नहीं ज्यादा सी लेके आना। हाँ 12-14-16 पूरी लाऊंगा तुमको। 20 ले आना कम से कम। 20 ले आऊंगा, वो मुझे रात में भूख लगती है। आप बढ़िया हो तो चलना। बताओ यार कहाँ चली गई? क्या हुआ चाचा? हैं क्या हुआ? अरे बेटा हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ भाई, ये समझ ले बस,
मेरा घरों जड़ गया बेटा। घरों जड़ गया, वो कैसे? हम बे तेरी चाची रात को जो है बढ़िया हमें खाना पीना बना के आराम कराया है, ये समझ ले सुबह उसका आता पता नहीं है कहाँ चली गई। अच्छा, मतलब कोई बात नहीं थी फिर भी चली गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो कोई बात ना हो और वो चली जाए। जरूर तुमने लड़ाई करी होगी। अब पता नहीं लग रहा बेटा, बताना कहाँ चली गई, तूने देखी चाची? मैंने देखी है, लेकिन बात बताओ पहले हुआ क्या था, क्यों लड़ते हो? तुमसे कितनी बार मना किया, दारू मत पिया करो, दारू मत पिया करो। दारू पीता नहीं बेटा, बात ये है जिस घर में दारू पी जाती है उसमें हर घर में लड़ाई होती है। ना 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 ना, दारू की बात ही नहीं है, उसको ये समझ, ये बता रहा रोज मैं रबड़ी रसगुल्ले कहाँ से लेके आऊंगी बता दे तू। देखो चाचा जी, तुम झूठ मत बोलो। ना लाली झूठ, मुझे पता है कमी चाची में नहीं, कमी तुम्हारे अंदर है। ठीक है, तुम मानेगी नहीं ना। मैं कैसे मान जाऊं, आंखों से देखा है मैंने। बात जे औरतन की बात सच होती है, आदमी की बात बिल्कुल बेकार होती है, चाहे आदमी कितना भी सच बोल रहा है। अरे आदमी बहुत सच बोलते हो, पता है मुझे कितना सच बोलते हो। ठीक है, अब तो बेटा हमें ये बता दे कहां कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो घर से बाहर निकल के जाएगी बगैर बात के। जब सारा सुख उसे मिलेगा ना घर में, तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी निकल के वो। अब लल्ली ये बता दे तू कहां गई थी चाची? मुझे सब पता है वो कहां गई है, पहले मेरी बात सुनो। तब तक मैं चाची को नहीं समझाऊंगी जब तक तुम अपनी ये दारू नहीं छोड़ दोगे। अरे तो दारू पीता नहीं हूँ बेटा मैं। पीते नहीं हूँ डेली, तो तुम पी के आते हो। एक बात बताओ, जब तुम 200-300 रुपए की दारू पीते हो, इसके बदले कुछ खाने के लिए लेके आओगे, चाची के लिए कुछ लेके आओगे, तो कितनी खुश होंगी वो। अरे यार इसे कैसे समझाऊं मैं, तुम मुझे ये बता दे कहां गई है वो। नहीं बताऊंगी। हैं? नहीं। तो फिर खाना कहां काहे को जमा दूं? छोड़ोगे तो ही बताऊंगी। मैंने दारू छोड़ दी, ये समझ लेना मैं पीता नहीं हूं। नहीं पीते, मेरी कसम नहीं पीता मैं, और बता मैं कैसे खाऊंगा। मेरी कसम मत खाओ, पता नहीं कितने लोगों की कसम खा जाते हैं, झूठी साची दारू वाजे जो लोग होते हैं ना, सबकी कसम खा जाते, देवी देवताओं की कसम खा जाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते वो। तो अब बता दे कहां गई है। नहीं बताऊंगी, पहले वादा करो कि दारू नहीं पियोगे तब बताऊंगी। देख मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा, मैं दारू नहीं पीऊंगा तेरी कसम, और बता जे वाली बात है मैं अपने ये समझ रहे तू देख लियो, मैं दारू नहीं पीऊंगा, तू मुझे बता दे कहां गई है। पक्का? पक्का, बिल्कुल भी नहीं पियोगे ना? नहीं पीऊंगा। और आगे से पी ली तो? नहीं पीऊंगा बेटा। सच कह रहे हो? हां देखो बेटा, अब तू बता दे। देखो मैं बता रही हूं, वो लपका चाचा है ना, पोखरिया वाले। हां, उनके यहां गई है चाची। अच्छा, वो मैंने उनके साथ देखा था जाती हुई, इसलिए उन्हें मना के लिए आओ जाओ। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद तेरा। पर बेटा मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तू समझ रही है। सब पता है कैसे हो। अरे ताऊ, ताऊ कौन भाई साहब है तुम? अब यहाँ क्या करने आए हो? अरे मैं तुझे लेने आया हूँ। देख क्यों लेने आयो? खामखंदे काय को खामखा हमारी बदनामी करा रही है। काय की बदनामी? जब बदनामी नहीं हो रही जब कुट्टू पी के आते थे घर पे। अरे अरे मैंने पी ली, मुझसे गलती हो गई, मैंने वहां भी माली कान पकड़ ले तेरे सामने। भाग्यवान ये बता दिए, 10 लोग ये हंसी हंस रहे हैं गाँव में। तुम्हारी यही है, हंसेंगे लोग तो उकेंगे भी अभी। अरे तो तू है ऐसे काम क्यों कर रही है, बता क्या कर दिया मैंने, भग गई किसी को लेके? बताओ, भग जाऊ जब बोलना, हमें यही रहूंगी, इसी के साथ शादी करूंगी। अब देख हमारी हमारी इज्जत है, कछु हमारी पगड़ी की। तुम्हारी इज्जत ही नहीं है, तभी तो इसके साथ आ गई मैं, इसी के साथ रहूंगी, इसी के साथ। तो देख अब हम क्या करें तेरे लिए, देख दारू छोड़ दे। दे दारू पीता था मैं, मुझे पता है मैं पीता था, कुट्टू पीता तू मान ले। क्यों पिया? अरे मैंने छोड़ दी ना। क्यों छोड़ी? अब उसी के साथ तुम रहो, मैं इसके साथ रहूं। देख खाना खाने वाली बात मत कर रहा, देख अब चल, देख अब मैं लिवाने आया हूँ, हमारी नाक कट जाएगी और कुछ नहीं है, तू खाने का वाली बातें करती है जब इसलिए मेरे लिए भंडारे में से पूरी लेने गए, देखो कितना ख्याल करते हैं। लियो भंडारा खाएगी ये, तू खाने का वाली बातें क्यों करती है? मैं हूँ तो आप निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं पैसे नहीं लाके देता, मैं कह रही हूं निकल लो। ये बता पैसे नहीं लाके देता हूँ, मैं क्या नहीं लाके देता हूँ? निकलो निकलो। भाग्यवान मेरी बात सुन, मेरी बात समझ। हमारे तुम्हारे अब ये वाली बात है, कल कराबा को लोगों को देखो ये मुझे लेने आए। एक बात बता, तूने नीचता की सबरी हदें पार कर दिया, तू जैसा कुत्ता जलील कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। राम राम गई तेल लेने। गाली इसलिए दे रहा हूँ, बता इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ के ये शराब पे कुट्टू पे ध्यान दे रहा है। अभी कल कलावा को तू मर जाए या तुझे कुछ हो जाए तो इस बिचारी का क्या होगा? बत्ती से निकाल दूंगी बाहर। सही गाली सुनाती हो वैसे। अच्छा, तेरी पूजा करूं, उतार के चप्पल इतनी बजाऊंगी सर पे। मार मार।
यार मेरी कौन सी बहू थी, चली गई तो चली गई, अब दोबारा रूठेगी तो आपकी बार तो झड़ी बढ़िया जगह करूंगा। आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, तू चिंता मत करे। आज के बाद पीना तेरा सुअर बना दूंगी, समझ में आ गया? नहीं मैं अपनी यहां से आ रहा हूं, घुसेड़ दूंगी तुझे, इतना ध्यान रखिए तू। हां इतना भी दम रख दिए तू? अरे चाचा जी चाची को ले आए। और चाची मत बोल तू, दीदी बोल। दीदी मत बोल, चाची चाचा है ये मेरे चाचा है, उसके हमारे सामने जाना बुला रहा है ना। अच्छा गोद में खिलाई मैंने बहुत जोर से। मैंने ना खिलाई, पर ये तुमने खिलाई होगी। अरे तो कोई बात नहीं, नहीं खिलाई तो अब चाची बनी जाओ। अरे चाची बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, चाची बोल दो, वो चाची बोल। और हाँ एक बात और बता दूं, अगर जी दोबारा से दारू पिए ना तो ये डंडा है ना ये तुम खुद मत जाना, फिर इसको लेके ऐसे बजाऊं ऐसे, ऐसे मैंने कम से कम 85 बार बजा दिया, उपाय मत बता तू मुझे। ये मैंने 85 बार भगा के ले आऊंगी, मुझे देख ले, मैं भले कितनी भी लड़ लूं इससे पर भगी नहीं मैं किसी के साथ। आ गई मैं लौट के, चाहे कुट्टू पिए, कुत्ता खाए, सुअर खाए, कुछ भी खाए। और सुन लड़का बड़ा देख के शादी कर ले, और ये कपड़े थोड़े यहाँ तक गले तक पहना कर थोड़े नीचे खिसकते हैं तेरे कपड़े।